फोर, तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। लालपुर तीतरी प्रधानपति पर हुए हमले के विरोध में उतरा अन्नदाता किसान यूनियन व प्रधान संघ संगठन। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान एसडीएम को सौंपा शिकायती पत्र, शीघ्र समाधान की मांग। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक की ग्राम पंचायत लालपुर तीतरों में बीते दिनों ग्राम प्रधान सोनी सिंह के पति राजकुमार गांव के अंदर शासन के आदेश पर गांव में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण के लिए ग्राम सभा की जमीन पर काम शुरू कराना चाहते थे, लेकिन जमीन गांव के ही रहने वाले रमेश सिंह, विनोद सिंह, प्रमोद सिंह पुत्र हरपाल सिंह, सुमित सिंह, अमित सिंह पुत्र सुरेश सिंह, आयुष सिंह पुत्र रमेश सिंह, अभिषेक सिंह पुत्र प्रमोद सिंह ने अवैध रूप से ग्राम सभा की जमीन पर कई वर्षों से अपना अवैध कब्जा कर रखा था। जब इस जमीन पर ग्राम प्रधान पंचायत भवन और समुदाय की शौचालय का निर्माण कराने को लेकर हल्का लेखपाल को लेकर जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पैमाइश करा रहे थे, तभी इस बात की भनक अवैध रूप से कब्जा करने वालों को लगी तो उन्हें लगा कि जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। जमीन को अपने कब्जे से जाति देख दबंगों ने प्रधानपति राजकुमार पर हमला बोलकर मारपीट शुरू कर दी। प्रधानपति ने पुलिस को जैसे फोन करने की कोशिश की तो उनके हाथ से उनका फोन छीन कर तोड़ दिया। उस समय तो प्रधानपति ने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मुंडा पांडे थाने पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उस समय तो पुलिस ने सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन इस बात से नाराज ग्राम प्रधान सोनी ने इसकी शिकायत मुरादाबाद के प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन से राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष से शिकायत की। तो आज मुरादाबाद सदर एसडीएम प्रशांत तिवारी के पास प्रधान संघ दर्जनों ग्राम प्रधानों के साथ इस मामले में शिकायती पत्र देकर शीघ्र समाधान की मांग की है। अन्नदाता किसान यूनियन प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि जब ग्राम प्रधान पूरी ईमानदारी से गांव के अंदर विकास करना चाहते हैं तो वही गांव के अंदर कुछ दबंग लोगों को ये बात नागवार लगी है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस प्रशासन भी ग्राम प्रधान की मदद नहीं कर सकता तो इससे ज्यादा और दुख की क्या बात होगी। जिसके बाद मुरादाबाद मंडल के प्रधान संघ के डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुरादाबाद के सदर एसडीएम प्रशांत तिवारी के यहां पहुंच करके एसडीएम प्रशांत तिवारी से मिले और दबंगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायती पत्र देकर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। वही एसडीएम प्रशांत तिवारी ने बताया कि मामले की जांच कर जो भू माफिया हैं अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंडा पांडे ब्लॉक में जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बने हैं और ग्राम सभा की जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, प्रधान के साथ मारपीट की है, आप मंडल प्रभारी हैं, ब्लॉक संघ के अध्यक्ष के किसान नेता भी हैं, क्या मामला था पूरा और बताइए किस तरीके से प्रधान संघ अध्यक्ष होने के बावजूद आपने उन प्रधान की मदद की थी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा, और मैं प्रधान संघ का मंडल प्रभारी, और मेरी बीवी जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष है मुंडा पांडे की, प्रधान संघ की। अभी जो हाल में ये सुनने को मिल लिया है, देखिए, और जगह जगह हो रहा है ये प्रधानों के साथ में, अभी मुंडा पांडे ब्लॉक के तीन चार जो प्रधान हैं उनके साथ में अभद्रता बात हुई है, दूसरा जो दबंगाई हैं, जो दबंगे हैं और भूमाफिया हैं, उन्होंने कई जगह अपनी हेकड़ियाँ दिखा करके प्रधानों को काम में बाधा डाली हैं, ग्राम प्रधान को जो है काम ना करने दिया जा रहा है, उसी को लेकर के एक हले में जो हला नंगला हमारा ग्राम प्रधान है उसको भी मतलब इसी तरह से प्रार्थना दी थी, क्योंकि दबंगों ने वहाँ पे जो है कूड़ा ना हटाते हुए मतलब जो उसमें ग्राम पंचायत की जगह में कब्जा कर रहे थे, एक सल्यूशन वो वाला भी मैंने किया। दूसरा, एक लालपुर तीतरी के राजकुमार प्रधान पति हैं, उनकी मतलब जो बीवी पत्नी हैं उनके साथ में भी एक घटना मतलब जो घटी है, जिसको मतलब जो कल मेरे पास लेकर के आए थे कि उनके गांव में जो दबंगों ने करीब 20 से 25 बीघे जमीन ग्राम समाज की कब्जा कर रखी थी, उसी में मतलब जो ग्राम प्रधान ने शौचालय बनवाने के लिए मतलब जो ज़मीन को पैमाइश कराई थी, उसी में जो एक पंचायत घर मतलब बनवाने के लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी, उसको लेकर के उन दबंगों ने उनके साथ में बदतमीजी करी, मारपीट की और वहाँ पे मतलब जो कार्य में बाधा डाली, कार्य नहीं करने दे रहे थे, सरकारी कार्य हैं ये, उसका निजी कार्य नहीं है प्रधान के, इसकी शिकायत लेकर के राजकुमार कल मेरे पास आए, जिसको मैं लेकर के एसडीएम साहब के पास में गया, एसडीएम साहब ने तुरंत उसको लेकर के कार्रवाई की, मुंडा पांडे थाने में जो है उसको आदेश दिए हैं, अब आगे जो है वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या होगा। और मैं सब आपके माध्यम से ये सभी को प्रधानों को बताना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉक मुंडा पांडे में 76 ग्राम प्रधान हैं, मैं सभी 76 ग्राम प्रधानों को बराबरी का अपना भाई मानता हूँ, मैं उनके हक में खड़ा हुआ हूँ, उनके कांधे से कांधा लगा करके मतलब मैं
काम करता हूँ निस्संकोच, मतलब जो मुझे किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, ना लालच है, ना लोभ मैं करता हूँ, ये सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से मुझसे परिचित हैं। दूसरा, मैं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके चलूँगा। अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है या कोई मतलब जो बाधा पड़ रही है, वो तुरंत मेरे पास हैं। मैं सरकार से और मतलब जो प्रशासन से उसकी पूरी मदद कराऊंगा और उसके लिए मतलब जो पूरे अपने जो संगठन के मतलब जो मेरे जितेंद्र साहब हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी निगरानी में उनकी पूरी मदद कराऊंगा, उनके साथ रहूंगा, पूरे संगठन को उनके साथ उतार दूंगा। अच्छा, जिस तरीके से मोला पांडे विरोध पर प्रधान संगठन को लेकर के विवाद चल रहा है, कोई अपने आप को बताता कोई अपने आप को बताता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरी नज़र में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को मैं इस तरह से जानता नहीं हूँ, और अगर है भी तो कोई 6-7 प्रधानों को लेकर के प्रधान संघ का अध्यक्ष नहीं बन जाता। अध्यक्ष की अथॉरिटी जो है वो प्रधानों को है, प्रधान संघ के अध्यक्ष जी जितेंद्र जी को है। जब उन्होंने ये किसी तरह का कोई बनाया ही नहीं है, मुझको बना दिया गया है बहुत पहले से, मतलब मेरे साथ में प्रधान है, प्रधान मौजूदा मतलब जो वहाँ पे बैठे थे उनकी मौजूदगी में मुझे प्रधान संघ का अध्यक्ष बनाया गया, और जितेंद्र साहब जी ने उसका लेटर पैड मुझे दिया, तो मैं तो किसी को मानता नहीं और ना ही कोई प्रधान को मानना चाहिए। तो ग्राम पंचायतों को प्रधानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या फर्जी लोगों के झांसे में आना है या आपके? देखिए, अभी मेरे ये जो राजकुमार सहयोगी थे ग्राम प्रधान, ये अभी 2-4 दिन पहले उनके पास में चले गए थे, मात्र उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, अपने पास में बुला करके कुछ मात्र पैसे उनके उठवा दिए, पैसे उठवाने के बावजूद कुछ नहीं करा, ना तहरीर उनकी NCR पर चढ़ी, ना कोई कार्रवाई करी, ना ही कोई मतलब इसी तरह का उनका सल्यूशन हुआ। तो ये तो सब देखने को अभी तुम्हें मिल ही रहा है, तो असली क्या है नकली क्या है ये तो यहीं से पता चल जाता है। मैं मतलब जो प्रधानों का काम करने के लिए बना हूँ संगठन में, ना कि मैं दलाली करने के लिए या मतलब जो पैसे उगाही करने के लिए बनाऊँ।